आपकी अदरक और इलायची वाली चाय। उनसे कितनी बार कहा है मैंने सुबह फ्रूट्स और जूस दिया करो। अरे यार 45 का हो गया हूँ, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो फिट रहना है ना। वो आपको अदरक और इलायची वाली चाय बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा पहले ये दे देती हूँ। कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, मैं अभी जाकर जूस बना कर लाती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। और तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, नेक्स्ट मंथ मेरा IIT का एग्जाम है। फिर तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छे मार्क्स लाने भी जरूरी। और तुम्हारा CA का सेकंड राउंड का टेस्ट कब? पापा मेरा एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ से, तैयारी भी अच्छी चल रही है और सेकंड राउंड भी क्लियर कर ही लूंगा। कर लूंगा नहीं, करना पड़ेगा। चलो पढ़ाई करो अपने रूम में जाके। जी पापा। ठीक है। हाँ राजेश, क्या हाल है भाई? मैंने सुना बीवी के मायके जाते ही तू बैंकॉक चला गया मजे लेने के लिए। हा? यही तो उम्र है मजे करने के मेरे दोस्त, एक बार बुढ़ापा आ गया फिर कौन पूछेगा हमें। सही कह रहा है। मैं तो कहता हूँ अगली बार तू भी मेरे साथ बैंकॉक चल। अरे यार मैं तो अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत बोर हो चुका हूँ यार, मुझे भी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए भाई, एक्साइटमेंट। और यार तुझे तो पता है ना, जब तक जिंदगी रंगीन ना हो तब तक बेकार है। अच्छा एक मिनट होल्ड कर यार, तुम्हारी ये क्या हरकत है? तुम ऐसे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही हो? नहीं आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, मैं तो बस जूस लेकर खड़ी हूँ। तो ठीक है जूस रख दो ना, क्या मुंह में डालोगी जूस? सुभाष जायसवाल, बैंक मैनेजर। अच्छा राजेश मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके। मैं ना आपके पड़ोस में आई हूँ, वो एक्चुअली मुझे ना ऑडिशन पे जाना है और मेरे घर में ना पानी खत्म हो गया है, क्या मुझे एक बाल्टी पानी मिलेगा? हाँ हाँ तो आइए ना, आइए प्लीज। हाँ आप प्लीज आइए और पानी भर के ले लीजिए। थैंक यू सो मच। रुकिए, आप पानी नहीं ले सकते। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब था कि आप हमारा वॉशरूम यूज कर लीजिए, आपको ऑडिशन पे जाना है ना तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, तो आप हमारे वॉशरूम में नहा लीजिए। आइए। मैं कपड़े लेकर आती हूँ। प्लीज आइए ना, इसे अपना ही घर समझिए। और ये रहा बाथरूम, अब आप यहां पर आराम से नहाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। वेलकम। लड़की है या कयामत है, शरीर का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। नई पड़ोसन के साथ अब तो मजा आएगा। अरे क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अरे हाँ पूजा, वो मेरी एक ब्लैक कलर की फाइल है। अच्छा। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही है। मैं पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, याद ही नहीं आ रहा। ये रही, शायद आप भूल गए, आपकी सारी फाइल्स इसी ड्रॉवर में रहती है। थैंक गॉड, पता नहीं कैसे ध्यान से निकल गया। एनीवेज थैंक यू। अच्छा सुनो, वो नई पड़ोसन आई है,
जरा उनके लिए भी नाश्ते का इंतजाम करो ना। जी बिल्कुल। चलो हाँ विवेक, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। कुछ जरूरी काम है घर पे। मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे आगे आप आज आप हमारे साथ बैठकर ही नाश्ता कर लीजिए। नहीं थैंक यू सो मच, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत परेशान कर चुकी हूँ और नहीं करना चाहती। कैसी बातें कर रही हैं? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। अब देखिए आप रेडी हो गई हैं और टाइम भी ब्रेकफास्ट का है, तो आप प्लीज नाश्ता कर लीजिए ना, इसी बहाने हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। ठीक है प्लीज बैठ। ये मेरी पत्नी है पूजा, मेरी बेटी उर्वी, हाय, और बेटा आशु। हाय। आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। I'm so sorry, मैं भूल ही गई। मेरा नाम मोना है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ दिल्ली मॉडलिंग के लिए आई। ओ मैं तो भूल ही गई, मुझे ऑडिशन पे जाना था। मैं चल। अरे आप, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा ना, मुझे भी तो ऑफिस जाना है। आप परेशान मत होइए, मैं कैब कर लूंगी। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी अभी कैब का मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ, आप लेट भी नहीं होंगी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है चलिए मैं निकलता हूँ। हाँ मम्मी, इतने प्यार से तो कभी पापा आपके साथ भी पेश नहीं है, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं नई पड़ोसन पे। सही कहा दीदी, ऐसा लग रहा है मोना आंटी हमारी पड़ोसन नहीं बल्कि पापा का कोई पुरानी बेस्ट फ्रेंड है। जब से वो आई है पापा उनके आगे पीछे डोलते ही रहते हैं। क्यों? चलो बस बहुत हुआ हंसी मजाक, जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। मेरा नाम मोना है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ दिल्ली मॉडलिंग के लिए आई हूँ। क्या हुआ, आप किस सोच में डूबे हैं? क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ये खाना बनाया है, कोई स्वाद है इसमें? मुझे नहीं खाना। अरे खाना तो अच्छा बना है मम्मी, ये पापा क्यों गुस्सा हो गए? कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग दोनों अपना खाना फिनिश करो, मैं तुम्हारे पापा के लिए कुछ और बना देती हूँ। ठीक है चलो तुम लोग जल्दी जल्दी फिनिश करो। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? हाँ। जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मन तो करता है कि रुक क्यों गए? बोलो। मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। तो देर किस बात की, भर लो।
क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? इतने दिनों बाद तो आप मेरे इतने करीब आए थे, यही प्यार और नजदीकी तो चाहिए थी मुझे हमेशा आपसे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं, वो आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी ली। एक हफ्ते की छुट्टी? हाँ, बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे थे तो मैंने सोचा छुट्टी ले लेता हूँ, तो इनकी पढ़ाई पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा। नहीं नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, वापस आके करता हूँ। ऑफिस से छुट्टी तो ली है, लेकिन बच्चों के एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि मोना जी से दोस्ती बढ़ाने के लिए। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई मम्मी, कि पापा ने हमारे पढ़ाई के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ली है। अशु सही कह रहे हैं मम्मी, पहले तो कभी ऐसे हुआ नहीं। पापा ना कुछ बदले बदले लग रहे, ये हुआ क्या है पापा को? तुम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। चलो दोनों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं बिना पूछे अंदर आ गया। एक्चुअली आप योगा कर रही थी ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये पास में एक हलवाई है, इसकी चमचम बहुत मशहूर, मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपके लिए लेता चलो। थैंक यू सो मच सुभाष जी, लेकिन मैं ये सब नहीं खाती हूँ। एक्चुअली फिट रहने के लिए ना ये सब करना बहुत जरूरी है। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने प्यार से लाए तो मैं मना नहीं करूंगी। हाँ हाँ लीजिए ना, लीजिए लीजिए। आपके होठों पे लग गया है कुछ, तो आप ही साफ कर दीजिए। मोना जी क्यों ना आज का लंच आप हमारे घर पे करिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप लंच और डिनर दोनों हमारे घर पे किया करिए। वैसे मैंने एक हफ्ते का लीव ली है बैंक से, मैंने सोचा इसी बहाने हम लोग मिल लिया करेंगे। ठीक है,
तो मैं आपका लंच में इंतजार करूंगा। ओके। अरे आप। हाय। हाय। अरे आइए मोना जी, तो बस आपका इंतजार कर रहे थे। बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाके अपने रूम में स्टडी करो, चलो। अब तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? अरे जाके किचन में जाओ, खाना बनाओ। मोना जी हमारे साथ लंच करेंगी आज। और सुनो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ Careful. Thank you. वैसे थैंक यू सो मच घर तक छोड़ने के लिए सुभाष जी। सुभाष जी नहीं, सुभाष बोलिए। अब वैसे भी हम अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं। दोस्त? I'm sorry सुभाष, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। मैं समझ सकता हूँ मोना जी, आप 25 साल की और मैं 45 साल का, हमारे बीच उम्र का फासला भी बहुत है, तो फिर आप क्यों करेंगी हमसे दोस्ती? एज इज जस्ट अ नंबर, और वैसे भी मैं इंसान का दिल देखती हूँ और आपका दिल तो बहुत बड़ा है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरे दोस्त मुझे मोना जी नहीं मोना कह के बुलाते हैं। और मुझे लड़के जीन्स टी शर्ट में ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर तो इस नेक काम के लिए मुझे आपकी, मतलब तुम्हारी मदद चाहिए होगी मोना। पास में एक मॉल है, चलें? आप गाड़ी में वेट कीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक। लड़की मिल गई है, नजर रख रहा हूं, इस बार बच के नहीं जाएगी। रात के 11 बज गए और एक तुम्हारे पापा जिसका कुछ अता पता नहीं, कब से उन्हें फोन मिला रही हूँ लेकिन मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। उर्वी जरा बेटा अपने नंबर से फोन मिलाओ, देखो तुम्हारे पापा फोन उठा रहे हैं क्या। मोना जी आप बताइए क्या बात है। बताने नहीं, मैं कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। आ जाइए। चौंक गए ना, मैंने इनसे पहले ही कहा था कि आपकी फैमिली आपको इस अवतार में देख के एकदम चौंक जाएगी। उर्वी आशु पापा स्मार्ट लग रहे हैं ना। पूजा जी आप बताइए,
अच्छे लग रहे हैं ना? रात काफी हो गई है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, डिनर भी तो करना है। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। तुम लोगों को साफ सोंगी क्या? मेरा लुक चेंज करने के लिए मोना ने इतनी मेहनत की, और जब वो मेरे बारे में पूछ रही थी तो तुम लोग चुप हो गए। उसके सामने मेरी तारीफ नहीं कर सकते थे क्या? हमें आपके नए पहनावे से कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आपके अंदर ये नया बदलाव देखकर बहुत खुशी हो रही। लेकिन सुबह शाम इस तरह मोना के साथ गायब रहना, ये भी कोई बात है? और ऊपर से जब हम आपको फोन करें तो आप हमारा फोन भी नहीं उठाते। जानते हो आप, हम सब आपके लिए यहाँ कितना परेशान हो रहे थे। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, चलो। देखो आज तो तुमने बोल दिया है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, और कोई भी ऐसी बात जो मुझे पसंद नहीं है मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। तुम जानती हो मेरा गुस्सा, और मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोना फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी बार फोन कर चुका हूं। सुनिए, अब वो आज ना हम सोच रहे थे कि यार बाद में बात करते। मोना मैं तुमसे पिछले आधे घंटे से पूछ रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? देखो मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, प्लीज कुछ तो बोलो। सुभाष, मैं डिवोर्सी हूं, मेरा तलाक हो चुका है। मॉडलिंग करना मेरा सपना था, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन मेरा पति, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे सपने के खिलाफ थे। मेरा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता था, मुझे मारता पीटता था, और एक दिन तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं दिल्ली आ गई अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन देखो ना, आज मेरे पास इस घर का रेंट देने तक का पैसा नहीं है, मैं अपना खर्चा तक नहीं उठा सकती, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मोना, आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म, जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा मोना, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। I love you too. आज से मोना जी हमारे घर में ही रहेंगे, मुझे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इस समय इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। पूजा जी, इस समय मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रही हूँ, एक बार मेरा काम शुरू हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
देखिए, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आपको मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। एक मिनट मोना जी, बुरे वक्त में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और तुम तो हमारी पड़ोसी हो। ऐसे समय में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? इन्होंने बिल्कुल ठीक किया जो वो यहाँ तुम्हें ले आए। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू। कोई बात नहीं, अब तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जल्दबाजी में ब्लैंकेट देना ही भूल गई। एसी की वजह से उसे ठंड लग रही होगी। मोना, पूजा ने सब देख लिया, क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, संभालता हूँ। मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए, और तुम्हें मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, और तुम मेरा ही घर बर्बाद करने चली। इसी समय अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम किस हक से मोना को निकाल रही हो घर से? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, और अपने पति को किसी पराई औरत के साथ नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं, और सच कहूँ ना तो तुमसे दिल भर चुका है। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मोना, मोना सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो मोना। क्या हुआ मम्मा, सुबह से रोई जा रहे हो? क्या हुआ था रात में? पापा मोना आंटी के साथ कहाँ पर गए? कुछ तो बोलिए। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। ये मोना आंटी ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर उसी के वजह से मम्मी और पापा के बीच कुछ हुआ है। मम्मी, आप इतना मत सोचिए, मत रोइए। हमने मंदिर में शादी कर ली, शायद अब किसी को हमारे इस रिश्ते से एतराज नहीं होना चाहिए। और भी आशु, अपनी नई मम्मी के पैर छू। ये सही नहीं है पापा। ये हमारी मम्मी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। चलो अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। कैसे कर सकते, ये गलत है। गलत और सही मुझे मत बताओ तुम।
मैं आज अपने घर वापस आया हूं तो अपने बच्चों के लिए। अगर मैं मोना के साथ कहीं और चला जाता ना, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। और रही तुम्हारी बात, तो अगर इस उम्र में तुम इस घर को छोड़कर जाओगी ना, कौन अपनाएगा तुम्हें? दर बदर की ठोकरें खाओगी। ये भलाई इसी में है कि अपने मुंह पे ताला लगा के बैठो। चलें स्वीटहार्ट। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। आज से तुम इस घर की मालकिन, इस घर को संभालो और मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना। और रहा तुम्हारे मॉडल बनने का सपना, तो वो मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे देख के क्यों डर रही हो? कुछ नहीं, पानी लेने आई थी। चलिए। तुम लोग एक बार ठीक से समझ लो कि मैं तुम्हारी नई माँ हूं। तुम लोग ना मुझे अपनी माँ समझते हो और ना ही मेरे हाथ का बना कुछ खाते हो। कब तक चलेगा ये सब? हाँ, खैर छोड़ो, तुम लोगों को मीठा बहुत पसंद है ना। मैंने तुम्हारे लिए सेवइयां बनाई है, टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। ना तुम हमारी मम्मी हो, ना मैं तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है। दूर रहा करो हमसे। मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे इशारों पे चलते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैं सुभाष को इस घर से लेकर चली गई ना, तुम और तुम्हारे ये बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे और कोई पूछेगा भी नहीं। तुम ऐसे मत बोलो मेरे बच्चों के बारे में, मैं उन्हें समझाऊंगी, समय रहते वो ठीक हो जाएंगे, समझ जाएंगे। अजीब बात, बेल बजा के कौन चला गया? छोड़ो, सुभाष, सुभाष, सुभाष! मोना, कौन है ये? पता नहीं कौन बदतमीज है, छोड़ो। कमांडो, कौन है तू? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने? क्या मोना, पुलिस को फोन लगाओ, अभी इसकी सारी दादागिरी निकालता हूँ। रहने देते हैं, पुलिस आएगी ना तो बात का बतंगड़ बनेगा, छोड़ दो इसे। सुन, अगर मेरे घर के आसपास दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। चल।
से यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। मोना, ये आवाज, अरे कोई हॉस्पिटल लेके चलो यार। सुभाष, यही है मेरी हालत की जिम्मेदार। किसी ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की थी। वो तो अच्छा, वो तुम टाइम पे आ गए, वरना मैं आज जिंदा नहीं बचती। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पूजा, मुझे पता होता तुम इस हद तक गिर सकती हो ना, तो मैं तुम्हें कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। नहीं, आपको देख रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी मोना की यह हालत हुई। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। रुक जाइए पापा। पापा प्लीज रुक जाइए। मोना आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार हम दोनों हैं, मम्मी नहीं। हमने काटा था पंखे का पाइप। उर्वी दी, हम पक्का ठीक कर रहे हैं ना? मोना आंटी को घर से भगाने का यही तरीका है ना, इसकी वजह से हमारे मम्मी पापा कभी एक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने अपनी नई मम्मी के साथ इतनी घटिया हरकत करी है, आज तुम दोनों का दिमाग ठिकाने लगा था। नहीं, जो भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने किया। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मेरे बच्चों को। जो हटो यहाँ से। मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया तुमने, इसी पट्टे से मैं तुम्हें भी मारूंगी। रुक जाइए, मैं जानता हूं गुस्से में। लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार आपके पति नहीं, बल्कि ये औरत है। इसकी वजह से आपका घर बर्बाद हुआ।
कौन है? मेरा नाम रजत है और मैं मोना का पति हूँ। 2 साल पहले इसने मुझसे शादी की और शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि इसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। और कुछ दिनों बाद मेरे पैसे और गहने दोनों लेकर भाग गई। मैं चाहता तो पुलिस कंप्लेंट कर सकता था इसकी, लेकिन इसकी वजह से इसके बूढ़े माँ बाप को तकलीफ हुई है, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने खुद इसके बारे में पता लगाना शुरू किया और जब मुझे पता चला तब मैंने देखा कि इसने आपके पति को नया शिकार बनाया, इनसे शादी करके आपके घर को बर्बाद करेगा। इसलिए मैंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए और ले जाइए। आपके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है और मिस्टर सुभाष आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ले चलो इन दोनों को। उठो। मर्द जब भटक जाता है तो एक औरत उसे संभालती, लेकिन तुम खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ दी। बीस साल पहले अगर मुझे पता होता कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूं जिसे एक औरत के खूबसूरत मन से ज्यादा उसके खूबसूरत शरीर से ज्यादा प्यार है, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरे साथ तो तुमने जो गलत किया उसकी सजा तुम्हें कानून तो दे गई, और रही बात मेरी, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और अपने बच्चों को इस घर से और तुम्हारे पैसे से और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। पूजा प्लीज मुझे माफ कर, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत किया, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। वो तो क्या लेके चलो इनको,